बहुत समय पहले बुध ग्रह के ऊपर एक देवदूत अपने परिवार के साथ रहता था। उस देवदूत के पास एक विशाल सुनहरी बस थी। फिर एक दिन देवदूत अपने परिवार के साथ उस बस में बैठकर पृथ्वी की सैर करने जाता है। तभी उन्हें एक विशाल समुन्दर दिखाई देता है। उसके बाद देवदूत बस को समुन्दर के किनारे उतार देता है। पिताजी, मैंने सुना है समुन्दर के अंदर बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे मोती पाए जाते हैं। चलिए ना पिताजी, पानी के अंदर जाकर मोती निकालते हैं। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, चलो चलते हैं। मैं जादुई बस को नाव के रूप में बदलने के लिए कहता हूँ। फिर पल भर में ही वह बस एक सोने की नाव के रूप में बदल जाती है। उसके बाद देवदूत अपने परिवार के साथ समुन्दर के तल में जाकर ढेर सारे रंग बिरंगे मोती इकट्ठा कर लेता है। थोड़ी देर के बाद वह सभी नाव को लेकर किनारे आ जाते हैं। वही दूसरी तरफ एक नारियल के पेड़ के पीछे छिपे रामू नाम का लालची आदमी यह सारा नजारा देख लेता है। इस देवदूत के पास जादुई सुनहरी बस है। यह बस किसी का भी रूप धारण कर सकती है। मुझे कुछ भी करके इस बस को चुराना होगा। उसके बाद रामू मुस्कुराता हुआ देवदूत के पास पहुंच जाता है। लगता है आप लोग दूसरे ग्रह से आए हैं। हाँ, तुमने सही कहा, हम बुध ग्रह से आए हैं। हमारी पृथ्वी पर आने वाले मेहमानों का हम बहुत अच्छी तरह स्वागत करते हैं। चलिए आप सभी मेरे घर चलिए, मैं आप लोगों को पृथ्वी का स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। यह सुनकर देवदूत और उसका परिवार खुश हो जाता है। उसके बाद देवदूत के कहने पर वह नाव एक कार के रूप में बदल जाती है। फिर देवदूत अपने परिवार के साथ रामू को कार में बैठाकर उसके घर चला जाता है। रामू देवदूत और उसके परिवार को अपने घर के अंदर बैठा देता है। फिर वह रसोई घर में जाकर शरबत बनाना शुरू कर देता है। तभी चालाकी से रामू शरबत के अंदर बेहोशी की दवाई मिला देता है। मैं अभी आप लोगों के लिए खाना मंगवा रहा हूँ, पहले आप लोग शरबत पीजिए। फिर सभी रामू से शरबत लेकर पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन शरबत को पीते ही एक एक कर देवदूत और उसका परिवार बेहोश हो जाता है। अरे वाह, ये सब तो बेहोश हो गए। उसके बाद रामू सुनहरी कार के पास जाता है और उसे एक मोटरसाइकिल के रूप में बदलने के लिए कहता है। कार मोटरसाइकिल के रूप में बदल जाती है। फिर रामू उसके ऊपर बैठकर उसे हवा में उड़ाते हुए दूर शहर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद देवदूत और उसके परिवार को होश आ जाता है। अरे अचानक हम लोग बेहोश क्यों हो गए थे? फिर वे सभी रामू को आवाज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रामू दिखाई नहीं देता। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आ जाता है। अरे तुम सब कौन लोग हो और मेरे घर पर क्या कर रहे हो? हमें रामू नाम का एक आदमी यहाँ खाना खिलाने लेकर आया था, लेकिन जब उसने हमें शरबत दिया तो शरबत पीने के बाद हम लोग बेहोश हो गए। अब रामू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो रामू तो एक नंबर का चोर है, वह लोगों को धोखा देने का काम करता है। उसने धोखे से तुम सबको मेरे घर पर लाया है। दरअसल मैं थोड़ी देर के लिए बाजार गया था। अच्छा चलो, अब तुम सब मेरे घर से बाहर निकलो। उसके बाद वह आदमी देवदूत और उसके परिवार को घर से बाहर निकाल देता है। बेचारा देवदूत अपने परिवार को लेकर सड़क पर भटकने लगता है। बिना हमारी जादुई बस के हम वापस अपने ग्रह पर नहीं जा सकते, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। दूसरी तरफ रामू मोटरसाइकिल को फिर से सुनहरी बस के रूप में बदल देता है। अब मैं इसका इस्तेमाल करके करोड़पति बन जाऊंगा। तभी रामू को अपने सामने एक बैंक दिखाई देता है। रामू बैंक के अंदर दाखिल हो जाता है और बैंक वालों को डरा धमका कर सारे पैसे लूट कर बाहर आ जाता है। फिर रामू अपनी जादुई बस में सवार हो जाता है और अगले ही पल वह बस हवा में उड़कर रामू को वहां से दूर ले जाती है। अरे वाह, बैंक लूटना तो बहुत आसान था, मैं इतने सारे पैसे लूट कर आ गया और कोई मुझे पकड़ नहीं पाया। इसी तरह एक दिन रामू बस में आसमान की सैर कर रहा था। तभी उसे नीचे शादी होते हुए दिखाई देती है। दुल्हन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती देख रामू उस पर मोहित हो जाता है। अरे वाह, ये दुल्हन तो बहुत खूबसूरत है, इस दूल्हे की जगह मैं इस दुल्हन से शादी करूंगा।
उसके बाद रामू अपनी बस मंडप के सामने उतार देता है। फिर दुल्हन को जबरदस्ती पकड़कर वह बस के अंदर ले जाता है। दूल्हे के साथ साथ बाकी बाराती रामू को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रामू बस को हवा में उड़ाकर एक पहाड़ी के ऊपर चला जाता है। सुनो, आज से तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। अगर तुमने ज्यादा होशियारी दिखाई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उस बेचारी दुल्हन के पास कोई रास्ता नहीं था, वह दुखी होकर रोने लगती है। वही पहाड़ी से थोड़ी दूर जंगल में देवदूत अपने परिवार के साथ भटक रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर पहाड़ी पर मौजूद अपनी बस के ऊपर पड़ती है। वो देखो, हमारी बस। लगता है वह रामू हमारी बस पहाड़ी के ऊपर ले गया है। चलो जल्दी से पहाड़ी के ऊपर चलते हैं, आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर देवदूत अपने परिवार के साथ पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ रामू बस के अंदर से सारे पैसे निकालकर एक पत्थर के ऊपर बैठकर पैसे गिनना शुरू कर देता है। तभी देवदूत बस के पीछे वाले हिस्से में पहुंच जाता है और वहां लगा एक पीले रंग का बटन दबा देता है। बटन दबाते ही वह सोने की बस एक विशाल चिड़िया के रूप में बदल जाती है। अरे, अचानक ये बस चिड़िया कैसे बन गई? मैंने इसे चिड़िया के रूप में बदला है। तूने हमारे साथ धोखा किया है, अब तो जिंदा नहीं बचेगा। हाँ पिताजी, इस धोखेबाज आदमी की वजह से हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है, इसे मत छोड़िएगा। चिंता मत करो बेटा, मैं इसका खात्मा कर दूंगा। चल मेरी जादुई चिड़िया, इस बुरे आदमी को सबक सिखा। उसके बाद वह चिड़िया अपने मुंह से ढेर सारा गर्म पानी रामू के ऊपर गिराने लगती है। अरे मर गया रे, मेरा शरीर जल रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे। फिर वह चिड़िया एक बड़ा डंडा प्रकट कर देती है। उसके बाद वह डंडा रामू की पिटाई करने लगता है। अरे बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। नहीं नहीं, मत मारो, मेरा सबक मुझे मिल गया है, दया करके मुझे छोड़ दो। रामू को मार खाते देख वहाँ मौजूद दुल्हन बहुत खुश होती है। मारो इसे, मारो और मारो, ये बहुत ही बुरा है। इस बुरे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। चलो जादू चिड़िया, इसे जान से मार कर इसका खात्मा कर दो। यह सुनते ही रामू घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। अरे नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, अरे कोई बचाओ मुझे। लेकिन तभी वह चिड़िया रामू को अपने पंजे में जकड़ लेती है और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। नीचे गिरते ही रामू की मौत हो जाती है। इस तरह उस लालची धोखेबाज रामू को उसके किए की सजा मिल जाती है। उसके बाद वह जादुई चिड़िया दुल्हन को उसके घर पहुंचाकर वापस देवदूत के पास आ जाती है। फिर देवदूत के कहने पर वह चिड़िया फिर से सोने की बस के रूप में बदल जाती है। यह देख देवदूत बहुत खुश होता है और अपने परिवार के साथ सोने की बस में सवार होकर वापस अपने ग्रह लौट जाता है।